हेलो सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट सेट से विच इज द फर्स्ट सेट ऑफ द आई सीरीज जहां पे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाले हैं ठीक है सो रिमेंबर इन दिस सीरीज वी विल नॉट बी डिस्कसिंग पी वाई क्यूज आर इन एनी एग्जाम इन दिस सेट वी विल बी डिस्कसिंग ओनली इन दिस सीरीज वी विल बी डिस्कसिंग ओनली द प्रैक्टिस सेट्स फ्लो कुछ इस तरीके से रहेगा I will be disclosing the set on your screen. You can pause the video, try to make your own arrangements based on these questions. You can take a screenshot of these questions for your reference and then try to solve this video. I will be starting with the solution. So there are seven persons sitting in the linear row. फेसिंग नॉर्थ डिरेक्शन सो फर्स्ट केस इज लीनियर अरेजमेंट एंड फेसिंग सिटिंग इन दॉर्थ फेसिंग द नॉर्थ डॉ आपको अगर यह लीनियर अरेंजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो एक प्लेलिस्ट है डी आई एल आर कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा वो प्लेलिस्ट आप अगर रेफर करोगे तो आपको उसमें एक लीनियर अरेंजमेंट का चैप्टर दिखेगा जिसमें इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है ओके okay. सो so, आज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डायरेक्ट सोल्यूशन देर आर सेवन इंडिविजुअल्स सो सेवन चेयर वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन फेसिंग नॉर्थ मतलब दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द राइट फॉर एवरीवन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ बैग्स मतलब ऊपर में नाम लिखूंगा एंड नीचे उनकी नंबर ऑफ बैग्स लिखूंगा राइट

मैंने क्या पढ़ाया हुआ है लीनियर एलिमेंट के कॉन्सेप्ट में आप अगर देखोगे तो जो भी क्वेश्चन आप जो भी स्टेटमेंट आप पढ़ते हो उसमें से जितने इंफ्रेंसेस आप ड्रॉप कर सकते हो उतने आपको ड्रॉप करने लेने चाहिए सो जी डेफिनेटली एज इवन नंबर ऑफ शूज या फिर बैग्स द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ई एंड डी इज इक्वल टू ए मॉड में डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बैग्स विध ई एंड डी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बैग्स विद ए मुझे नहीं पता ई e बड़ा है कि डी बड़ा है ई e के पास ज्यादा नंबर ऑफ बैग्स है कि डी के पास ज्यादा नंबर ऑफ बैग इसीलिए मैंने मॉड में लिखा है पॉइंट नंबर फोर ई नीदर हैज हैजेल्व नॉर फोर्टीन बैग्स पॉइंट नंबर फोर से नीदर हैज हैजेल्व नॉर फोर्टीन बैग्स अच्छा उसके पहले एक पॉइंट पढ़ना पढ़ता ना अपना रह गया द वन हु हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग्स हैव लेस बैग्स सो so, इसमें एक पॉइंट हाईलाइट करने जैसा है दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग्स अगर रहेगी तो वो 19 रहेगी या फिर उससे कम रहेगी 20 बैग्स किसी के पास नहीं है द वन हु हैज मैक्सिमम बैग्स इज लेस देन 20 करेक्ट सो so, अगर रही तो मैक्सिमम 19 रहेगी या फिर उससे कम भी हो सकती है इन e इधर 12 नॉट 14 बैग्स पॉइंट नंबर 5 ए Neither sits adjacent to C nor D. So A neither sits adjacent to C nor sits adjacent to D. Point number six is B has 10 bags and C sits second to the right of and sits second to the right of C. Okay. So B has 10 bags and sits second to the right of C. So C ka second to the right wala c ka second to the right one idhar aayega and who has n bags so b has 10 bags point number seven is the number of bags with c is one less than the one third of the number of bags with g isko achche se paddo, okay? point number seven number of bags with c is one less than so number of bags with c is equal to minus one c is equal to minus one one less than ऑफ ऑफ द नंबर बैग्स जी सो जी के पास जितनी भी बैग्स है उसका वन थर्ड जी के पास जितनी भी बैग्स है उसका वन थर्ड माइनस हुआ मतलब जी के पास जितनी नंबर ऑफ बैग्स है इट इज डेफिनेटली मल्टीपल ऑफ थ्री डू गैस मी और नॉट जी के पास जितनी भी बैग्स है इट इज डेफिनेटली अ मल्टीपल ऑफ थ्री क्योंकि इट शुड बी डिविजिबल बाई थ्री राइट एंड माइनस वन नंबर ऑफ बैग्स तो सबके पास इंटीजर रहेगी वो डे वन में किसी के पास बैग नहीं रह सकती आप एक तो पूरा बैग लेके जाओगे या तो फिर नहीं लेके जाओगे आधा बैग लेके कैसे घर से बाहर निकलोगे राइट सो जी हैज इवन नंबर ऑफ बैग्स एंड इट शुड बी मल्टीपल ऑफ थ्री प्लस इट शुड बी लेस देन एज वेल इससे मुझे इन्फरेंस ये निकलता है दैट द नंबर ऑफ बैग्स विथ जी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आर इज इक्वल टू इधर सिक्स और ट्वेल्व और मैक्सिमम एटीन समझ में आ रहा है नंबर ऑफ बैग्स विद जी इज इधर सिक्स और ट्वेल्व और मैक्सिम एटीन क्योंकि वो थ्री का मल्टीपल होना चाहिए बिकॉज इट शुड भी डिविजल बाई थ्री एंड इट मस्ट भी इवन बिकॉज इट शुड भी ऑल्सो भी डिविज बाइंट को कंटिन्यू करते हुए मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ बैग्स विद जी एंड नंबर ऑफ बैग्स विद सी number of bags with G is equal to 6, the number of bags with C will be 6 by 3, 2 minus 1, 1. If this is equal to 12, 12 by 3, 4 minus 1, 3 and if this is equal to 18, 18 by 3, 6 minus 1, 5. Then. Point number 8, F sits second to the left of the one who has ट वन हैज्वेल्व बैग्स एंड उसके सेकेंड टू दिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है एंड ऑफ द रो एंड इज डिजल बाई थ्री रिड है ये अपना स्मार्टनेस है कि अपन ने पहले ही दो कदम आगे सोच लिया करेक्ट ये आपका स्मार्टनेस है कि आपने दो कदम आगे पहले ही सोच लिया जितने इंफ्रेंसेस ड्रॉ कर सकते हो उतने निकालते जाओ जी सिट्स एट द एंड ऑफ द रो एंड हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग्स करेक्ट सो जी हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग्स विच इज डेफिनेटली नॉट सिक्स करेक्ट जी हैज मैक्म नंबर ऑफ बैग्स विच इज डेफिनेटली नॉट सिक्स सम वन बैग्स सो इट कैन बी जी राइट एंड ऑल्सो सिट्स एट द एंड

एंड अकॉर्डिंगली सी हैज फाइव बैग्स जी हैज एटीन बैग्स एंड सी हैज फाइव बैग्स तो अगर जी के पास एटीन बैग्स है तो ई e के पास कितनी बैग्स हुई नाइन ई e के पास नहीं था तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया मेरा पॉइंट नंबर फोर ओढ़ एट ई हैज नाइन नंबर ऑफ बैग्स तो पॉइंट नंबर थ्री में भी, में भी मेरा नाइन पॉइंट आएगा एंड यहां पर दिखाए कि दन फोर्टीन बैग्स

Someone has 12 bags, someone definitely have 14 bags. ट्वेल्व बैग्स definitely have डेफिनेटली bags. क्योंकि उसने लिखा हुआ है फोर्टीन बैग्स वाला केस एक राइट दो बार आया है फोर्टीन सो ट्वेल्व एंड फोर्टीन तो मेरा पक्का है करेक्ट ट्वेल्व एंड फोर्टीन तो मेरा पक्का है अभी ए के पास 12 या 14 हो सकता है डी के पास 12 या 14 हो सकता है एफ के पास 12 या ट्वेल्व नहीं हो सकता एफ के पास भी 14 बैग्स हो सकती है ए के पास कितने बैग्स है इट इज डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी करेक्ट नाउ कैन आई स्टार्ट माई अजम्पन बेस्ड ऑन दीज टोन बैग्स अभी ही ट्वेल्व एंड फोर्टीन एंड एक नंबर है मुझे इतना पता है राइट right? मुझे इतना पता है दैट देर आर थ्री नंबर ऑफ बैग्स रिमेनिंग ट्वेल्व एक फोर्टीन एक्ट एंड एक और नंबर दूसरा कि तो ए के पास एक तो ट्वेल्व बैग्स होगी या तो फिर फोर्टीन बैग्स होगी या तो फिर वो जो एक्स नंबर है एक्सटॉम तो में यहां पर हम लोग इसको पी एज्यूम करते या तो फिर पी नंबर ऑफ बैग्स होगी राइट इफ आई रीड राइट दिस इक्वेशन इक्वेशन नंबर थ्री आई विल गेट ई इज इक्वल टू ए प्लस डी एज्यूमिंग दैट ई इज ग्रेटर दैन डी assuming that e is greater than d and assuming that e is less than d i will get this is d minus e right i will get e is equal to d minus a e is equal to d minus a now let us put these equations in equation these values in equation number 1 now if i put e is equal to 9 a is equal to 12 so nine cannot be twelve plus something, neither can nine be fourteen plus something, right? राइट अगर मैंने e equal to टू नाइन मेरी value फिक्स है ए को ट्वेल्व या फोर्टीन रखा तो ई is equal to टू तो e, plus something or और 14 plus something समथिंग नहीं हो सकता तो equation, इक्वेशन के हिसाब से मेरा a ए का पी आना चाहिए सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से देखते हैं करेक्ट सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से देखते हैं कि ई इज इक्वल टू नाइन इन इज इक्वल टू डी माइनस ट्वेल्व और फोर्टीन और पी तो उससे क्या होगा D इज इक्वल टू ई प्लस ए उससे क्या होगा E इज लेस देन D, विच इट विल अप्लाई दैट D इज इक्वल टू ए प्लस ई ए इधर चले जाएगा राइट सो ट्वेल्थ अगर रखता हो तो ट्वेल्थ प्लस नाइन ट्वेंटी वन हो जाएगा विच इज नॉट अलाउड क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ आर एटीन

the values of 12 and 14 will be either with d and f or with f and d accordingly and number of beds with a is equal to p ye mera ek conclusion to yahan pe final nikal chuka hai mera ek conclusion to yahan pe nikal chuka hai abhi main arrangement start karke आप एक तो यहाँ पे दो तरीके solve करने के एक तो आप second possibility assume करके arrangement start करो या तो फिर A की नंबर ऑफ बैक्स की वैल्यूज निकाल के ही आगे बढ़ो जैसे d एंड e का डिफरेंस इज इक्वल टू a, करेक्ट d एंड e का डिफरेंस इज इक्वल टू a, सो so, इफ d इज इक्वल टू टक्वल टू थ्री और इफ d इज इक्वल टू फोर्टीन फोर्टीन माइनस नाइन इज इक्वल टू फाइव बट सेवन परसेंटिंग इन एन रो एंड हैव डिफरेंट नंबर ऑफ बैग्स इसका एप्लीकेशन क्या हुआ इसका मीनिंग क्या हुआ A and C cannot have same number of bags, right? Are you guys getting my point, everyone? Yes or no, right? So, A and C cannot have same number of bags. That's why A cannot have 5 bags. That means D cannot have 14 bags. Which implies that F cannot have 12 bags. And this is the final number of bags which I have. This is the final number of bags which one? Now. Now I know that जी हैज़ मैक्म नंबर ऑफ बैग्स एंड जी सीट्स एट द एंड तो इसके मैं दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स ले कर चलता हूँ एक तो जी लेफ्ट एंड पे हो सकता है या तो फिर राइट एंड पे तो उसके लिए मुझे थोड़ी राइटिंग स्पेस लगेगी फॉर्ड आई एम डूइंग्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये केस वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये केस टी यहाँ पे जी हम लोग इधर लिखते हैंट द लेफ्ट एंड यहाँ पे जो हम लोग राइट हैंड पे लिखते हैं केसेस दिस इज केस वन दिस इज केस टू फॉर बोथ द केसेज दिस इज द राइट इज द लेफ्टो दैट समेफिनेटली नॉट सिटिंग एट द एग्क्ट सेंटर ऑफ दाइट यह पॉइंट क्लोज हो गया पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर फोर पॉइंट नंबर थ्री

ट्स किसके पास है डी के पास करेक्ट और डी के एक एंड दो टू प्लेसेस टू द लेफ्ट मतलब फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से एफ हैज फोर्टीन बैग्स इज एग्जैक्टली सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड एफ पॉइंट नंबर एट को अगर मैं मर्ज कर दू पॉइंट नंबर वन के साथ तो डी हु हैज़ ट्वेल्व बैग्स उसके सेकेंड टू द लेफ्ट में एफ इज सिटिंग बैग्स एंड सी एफ बी डी सी के लेफ्ट में भी कोई तो भी है डी के राइट में भी कोई तो भी है लेकिन वो ए नहीं है करेक्ट पॉइंट नंबर एंड पॉइंट नंबर फाइव मेरे ओपन है तो सी के लेफ्ट में सब वन सिटिंग डी के राइट में सब वन सिटिंग बट दैट इंडिविजुअल शुड नॉट बी ए तो अभी सी एफ बी डी ऐसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे देखा फर्स्ट केस में फर्स्ट केस की बात चल रही है सी एस बी डी ये आपका वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि एफ इज नॉट सिटिंग एट द सेंटर खत्म इरेज करूं आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर मल्टीपल ऑप्शन ओके सेकेंड सी एफ बी डी पे नहीं हो सकता बिकॉज नीदर डी नॉर्थ सी इज सिटिंग एट द कॉर्नर ये हमने बताया हुआ है इसीलिए सी के लेफ्ट में डी के राइट right में कोई तो भी सिटिंग है तो सी एफ बी डी दिस इज द ओनली पॉसिबल अरेंजमेंट एंड ए विल गो सो ए बी सी डी ई एफ जी करेक्ट ये केस हुआ सेकेंड सी एफ बी डी अगर हमने सेकेंड केस में सी एफ बी डी ऐसे रख दिया तो आपको ए एंड ई रखना पड़ेगा इन एनी केस सी और डी का नेबर तो ए आने ही वाला है सो दिस केस नंबर टू में सी एफ बी डी इज नॉट अलाउड इन दिस सिक्वेंस एंड सी एफ बी डी ये इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि मेन बॉडी में बताया है दैट एफ इज़ नॉट सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो सो ये भी अलाउ नहीं है दैट्स वाई दिस विल बी माई फाइनल अरेंजमेंट कौन सा अरेंजमेंट फाइनल रहेगा जी सी एफ बी डी ई -E ए तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जी सी एफ बी डी ई ए देखो आराम से देख लो कि हमने क्यों ये पॉइंट किया आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो या तो फिर वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो सो जी एटीन सी एफ बी एटीन टाइव नाइन टेक डी ई ए टी ट्वेल्व नाइन थ्री सो क्वेश्चन पर्सन अभी ये मैं हमेशा मेरी क्लास में बोलते रहता हूँ कि दिस इज़ एन ओपन बुक टेस्ट ओके ये कोई भी फोर्थ स्टैंडर्ड का या फिर सिक्स स्टैंडर्ड का बच्चा जिसको इंग्लिश पढ़ के समझने को आती है वो बंदा भी ये पांच क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा वो बच्चा पांच क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा फिर आप पूछोगे कि ये क्वेश्चन फिर एग्जाम एम एंट्रेंस एग्जाम में या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्यों आते हैं बिकॉज यू आर राइटिंग द बुक फॉर दैट केड बाय सॉल्विंग दीज अरेजमेंट्स कॉम्प्लेक्स अरेजमेंट्स आप राइटर हो यहाँ पे समझ रहे हो ये बुक के भी और अपने किस्मत के भी आप जितना एफिशियटली ये बुक लिखोगे उतने फास्ट आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे सो क्वेश्चन नंबर वन वो एम दॉलोविंगजैक्टली बिटवीन एफ एंड दन मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स आर विध ए सो एफ एंड ए के एग्जैक्टली बीच में कौन इक्वी डिस्टेंट कौन है डी करेक्ट हुक्वी डिस्टेंट बिटवीन एफ एंड ए डी आर द वन हुज बैग्स हु अमंग द फॉलोइंग राइट ऑफ बी बी के राइट में डी ई एंड ए बोथ वन एंड टू बोथ वन एंड टू आर वेटिंग बिटवीन जी एंड दिन सी जी And the one who sits, 1, 2, 3, third to the right of C, C, F, B. There are three individuals sitting between G and D. Next. Question number 4. How many bags does E and C have respectively? 5. Uh, sorry, 9 and 5. What is the sum of the bags with G, D, and F eighteen plus 12? 30 plus 9. It should be 39. So this is set one. All the best.